हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेसिडेंट्स ऑनलाइन क्लासेज। आई एम मृत्युंजय कुमार, आई एम योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर सिस्टम। आज हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अभी तक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सीख चुके हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर लाइन का बेसिक आप लोगों को तो क्लियर होगा कि जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन मीन्स न्यूट्रल जो पॉइंट होता है नंबर लाइन पे, मीन्स जीरो, उसके राइट साइड में जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में जो भी होता है क्या होता है, नेगेटिव। ये बेसिक है। तो इसी नंबर लाइन पे हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अंडर रूट टू, अंडर रूट टू को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, यहाँ से जीरो, अगर ये डिस्टेंस अपोज मान लीजिए ये अंडर रूट टू है, अगर हमने रूट टू को यहाँ मार्किंग किया है इस लाइन पे, इट मीन्स जीरो से ये डिस्टेंस क्या हुआ, अंडर रूट टू। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना मीन्स जीरो से डिस्टेंस फाइंड करना, वही तो होता है। अगर आपने नंबर लाइन पे चार रिप्रेजेंट करना है, चार सपोज ये आपने जीरो मार्किंग किया, ये अपना चार, इट मीन्स यहाँ से जीरो से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, फोर यूनिट है। यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, किलोमीटर, कुछ भी। तो इट मीन्स नंबर्स रिप्रेजेंट मीन्स डिस्टेंस कैलकुलेट करना, कहाँ से, जीरो से, हमेशा रिफरेंस क्या होता है, जीरो। तो उसी तरीके से इरेशनल को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, इट मीन्स जीरो से डिस्टेंस फाइंड करना उतना। जैसे कि रूट टू को रिप्रेजेंट अगर करना है नंबर लाइन पे, तो जीरो से लेकर अगर ये जो है डिस्टेंस रूट टू, ये तो डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कि ये डिस्टेंस रूट टू ही है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम लोग कैसे ये पता करेंगे कि ये रूट टू ही डिस्टेंस है। हो सकता है मे बी कि हो जाए, हो सकता है ये रूट टू अंडर रूट टू डिस्टेंस ना हो। तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ, डायरेक्ट रफली मेथड के हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन ये गलत है, ये सही मेथड नहीं है। तो सही मेथड क्या है, उसके लिए आपको समझना होगा कि मान लीजिए कि ये एक नंबर लाइन है, ये जीरो है, और यहाँ से लेकर हमने एक क्या किया, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया जिसका जो ये ओरिजिन जीरो है वो सेंटर हो जाए, और ये जो लाइन है, इस सर्कल का रेडियस जो है रूट टू यूनिट का रेडियस हमने ड्रॉ किया। ध्यान से सुनना है कि अगर मुझे रूट टू रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो मुझे रूट टू रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है विथ सेंटर क्या होना चाहिए, ओरिजिन जीरो। अगर ये रेडियस रूट टू हो गया सर्कल का, इट मीन्स जीरो से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, रूट टू। तो अगर रूट टू को रिप्रेजेंट करना होगा, तो रूट टू रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जीरो को सेंटर मान के। तो रूट टू रेडियस कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे वो देखिए। ये एक नंबर लाइन है, ये जीरो, यहां से आपने वन यूनिट डिस्टेंस लिया, ये वन यूनिट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक वन यूनिट, ये वन यूनिट और ये भी वन यूनिट। अगर हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये जो हमारा हाइपोटेनस बनेगा, इसका डिस्टेंस आएगा रूट टू, इसका डिस्टेंस कितना आ गया, रूट टू। अब क्या करना है कि आपको कंपास से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके, ये वाला, ये तो कैलकुलेट ऑलरेडी है रूट टू, तो ये कंपास ये डिस्टेंस लेकर आपको एक सर्कल यहाँ से ऐसा करके ड्रॉ करना है। तो ये जो सर्कल का ये जो पॉइंट इस नंबर लाइन पे गिरेगा यहाँ, तो ये ही पॉइंट जो होगा ये रूट टू होगा, ठीक है। तो
ये रूट टू को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो रूट टू जो है बेसिक है, इसी के हेल्प से हम लोग रूट थ्री, रूट फोर, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करेंगे। अगर अब मुझे रूट थ्री ड्रॉ करना होगा, रूट थ्री ड्रॉ करने के लिए यानी मेरा हाइपोटेनस रूट थ्री आना चाहिए, तो ये तो वन यूनिट, ये वन यूनिट, ये तो रूट टू था। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये रूट टू यूनिट, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वन यूनिट का, तो ये अब जो होगा ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये रूट टू और ये वन, तो ये आ जाएगा रूट थ्री, नया हाइपोटेनस ये जो बनेगा रूट थ्री बनेगा। अब यहाँ से एक कंपास प्रोटेक्टर ले कंपेयर कंपास लेकर ये ऐसा करके सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा रूट थ्री का, आए समझ में। फिर रूट फोर का, रूट फोर मीन्स टू, तो सिंपली रूट टू तो आप यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, रूट टू यूनिट डाल का रूट टू यहाँ आएगा, आए समझ में। तो ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पे किसी भी इरेशनल नंबर को। तो ये तो पहला मेथड है, ये आप ऐसे करके आप बना सकते हैं। लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको बोल दिया जाए रूट इलेवन का ड्रॉ करना, रूट इलेवन का ड्रॉ करना, तो आप कैसे करेंगे, प्रॉब्लम ये है। तो रूट इलेवन का ड्रॉ करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रूट टेन ड्रॉ करना पड़ेगा। रूट टेन के पहले रूट नाइन यानी थ्री को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है कि ये लेंथीएस्ट है, अगर आपको रूट फिफ्टीन कर दिया रिप्रेजेंट करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्टीन, थर्टीन, ट्वेल्व, इलेवन, टेन, एक्सक्यूज से करेंगे तब जाकर रूट फिफ्टीन का आप ड्रॉ करेंगे। तो ये लेंथीएस्ट प्रोसेस है। सेकेंड जो प्रोसेस है किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का अंडर रूट के अंदर अगर है, तो वो कौन सा मेथड है ये देखिए। मान लीजिए रूट एक्स, एक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, वन टू थ्री, टू पॉइंट फाइव, टू पॉइंट सिक्स, डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी, ये किसी भी अंडर रूट के लिए वैलिड है। अगर रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले क्या करना है, जितना रूट के अंदर है उतने यूनिट का एक डिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। एक्स है तो मान लीजिए एक्स यूनिट, हमने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक्स यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकता है, इंच, मीटर, एमएम, सीएम, कुछ भी। अब ये डिस्टेंस मान लीजिए ए बी, ये हो गया एक्स डिस्टेंस, बी से अपने मन से एक यूनिट और इधर आ जाना है, ड्रॉ कर लेना है, तो ये हो गया सी, ये हो गया वन यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस ए टू सी, ए टू सी कितना हो गया, एक्स प्लस वन हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स प्लस वन। तो ये टोटल डिस्टेंस का मिड पॉइंट सपोज यहाँ है, तो ये मिड पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, एक्स प्लस वन बाई टू, आधा होता है मिड पॉइंट, तो ये हो गया एक्स प्लस वन बाई टू हो गया। ये मान लीजिए ओ है, ये क्या है, ओ है। अब मुझे बताइए ओ बी का वैल्यू, इसमें ओ बी का वैल्यू इस कारण क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ, रूट एक्स है यानी एक्स रेडियस का मुझे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो मुझे रूट एक्स रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पे। तो यहाँ से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा, परपेंडिकुलर लाइन इस कारण ड्रॉ करना होगा क्योंकि मुझे हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस के लिए एक बेस चाहिए और एक परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका हाइपोटेनस होगा ये तो सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा, ये सर्कल का रेडियस होगा। तो इसमें प्रोसेस क्या है वो देखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। अगर आपको रूट एक्स रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले एक्स डिस्टेंस का जितना अगर कह रहा है रूट के अंदर उतने डिस्टेंस का एक लेंथ लाइन खींचना है, मान लीजिए ए बी, अपने मन से एक यूनिट आगे चला जाना है, ये सी हो गया, ये वन यूनिट हो गया। अब क्या करना है, ये एक्स प्लस वन लेंथ हो गया पूरा, तो उसका एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, तो ये सर्कल आ गया, ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। फिर एक्स प्लस वन टोटल लेंथ का मिड पॉइंट है, ये सपोज ये मिड पॉइंट हो गया, एक्स प्लस वन बाई टू होगा, और बी टू, बी से लेकर सर्कल जो ड्रॉ किए हैं उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो मिड पॉइंट आया ओ, ओ से लेकर डी, ये क्या है, सर्कल का क्या है,
ये रेडियस है, ये सर्कल का क्या है? रेडियस है। रेडियस मीन्स, रेडियस में क्या ओ टू ए, ओ ए क्या है? ओ ए, ओ ए का वैल्यू कितना है? ओ ए का वैल्यू एक्स प्लस वन बाई टू है। ओ ए का वैल्यू एक्स प्लस वन बाई टू, इसका वैल्यू रेडियस का एक्स प्लस वन बाई टू है। अब ये ओ बी का वैल्यू कितना होगा? ओ बी का वैल्यू कितना होगा? ओ बी का वैल्यू देखिए, ओ बी का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ओ बी का वैल्यू, ओ बी का वैल्यू अगर पूरा में से हम, ये पूरा लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक्स है, एक्स में अगर हम एक्स प्लस वन बाई टू ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा। यानी एक्स में हम एक्स प्लस वन बाई टू को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि ए टू बी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ एक्स है और ए टू ओ ये लेंथ एक्स प्लस वन बाई टू है, तो यानी पूरा में और ये लेंथ अगर सब्ट्रैक्ट कर दें ये वाला, तो ये लेंथ बच जाएगा। तो एक्स माइनस एक्स प्लस वन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई, एक्स माइनस वन बाई टू आ जाएगा, एक्स माइनस वन बाई टू आ जाएगा सर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन बाई टू, यानी ये लेंथ जो है एक्स माइनस वन बाई, ये लेंथ आ गया एक्स माइनस वन बाई टू, ये वन है, ये वन है, एक्स माइनस वन बाई टू आ गया। तो ये हाइपोटेनस, देखिए एक ट्रायंगल ये छोटा सा बन रहा है, तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस एक्स प्लस वन बाई टू जो कि सर्कल का रेडियस खुद है। अब ये जो बेस है ओ बी, इसका लेंथ आ गया एक्स माइनस वन बाई टू, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बी डी का लेंथ आ जाएगा। तो आप निकालेंगे जब सोल्व करेंगे तो देखिए बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर मतलब क्या, ये का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस यानी ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, तो ओ डी का स्क्वायर मतलब ये लेंथ कितना है, रेडियस यानी एक्स प्लस वन बाई टू, तो एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस ये लेंथ ओ बी कितना लाए थे, एक्स माइनस वन बाई टू, तो एक्स माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, जब ये स्क्वायर किए तो हमारा एक क्या वैल्यू आ गया, एक्स आ गया, यानी एक्स क्या आ गया, बी डी का स्क्वायर, इस लेंथ का स्क्वायर। तो बी डी इक्वल्स टू करेंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स जो हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यानी बी डी मीन्स ये लेंथ कितना आ गया, एक्स आ गया। इसी कारण हम लोग परपेंडिकुलर लाइन डाले थे कि जितना मुझे रिप्रेजेंट करना होगा उतने का अगर लेंथ आ गया तो हम इजिली ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ये लेंथ आ गया रूट एक्स, तो सिंपली क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपास से ये ड्रॉ करके यहाँ से लाइन देकर यहाँ से ऐसा करके ड्रॉ कर देंगे, तो जहाँ पे ये फॉल करेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। आया समझ में? तो यानी एक सर्कल इसके अंदर ये बना, एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है, रूट एक्स। यही स्टेप किसी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, एक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू होगा, टू थ्री फाइव सेवन थ्री पॉइंट फाइव कुछ भी। सपोज आपको रूट फाइव का ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एक फाइव यूनिट का लेंथ ड्रॉ करेंगे, अपने मन से एक यूनिट आ जाएंगे आगे, तो ये टोटल हो गया सिक्स यूनिट। इसका एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे सिक्स यूनिट का, फिर मिड पॉइंट आ जाएंगे तो ये हो जाएगा थ्री यूनिट, थ्री यूनिट हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, मतलब ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये आपका तो थ्री हो जाएगा, ये कितना होगा थ्री होगा, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा है पाँच, ये है तीन, तो पाँच माइनस तीन ये कितना हो गया, टू हो गया। अब थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर फोर, नाइन माइनस फोर फाइव, तो ये आ गया लेंथ कितना, रूट फाइव आ गया। बेसिकली ये अप्रोच हम पूरा क्यों कर रहे हैं, जितना मुझे रिप्रेजेंट करना है उतना ये परपेंडिकुलर लेंथ वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं, तो ये रूट फाइव आ गया। अब ये मान लीजिए ये जीरो, अब मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है इस लेंथ का, तो यहाँ से हम कंपास रखकर इस सर्कल ये इस लेंथ नाप लेंगे और फिर एक सर्कल ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे, ये जहाँ पे सर्कल फॉल होगा ये रूट फाइव होगा। तो ये तरीका है ई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रेशनलाइजेशन एक टॉपिक है छोटा सा वो सीखेंगे, फिर नंबर सिस्टम आपका ऑलमोस्ट कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।